खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। घोंडा अनाज मंडी एसोसिएशन के आह्वान पर 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर वे अपनी मांगों को लेकर आड़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल को राइस मिलर भी समर्थन कर रहे हैं। आड़तियों व मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घोंडा की एक कार्यकारिणी की बैठक प्रधान रामपाल गोयल की अध्यक्षता में करने के बाद आड़तियों ने हड़ताल का रुख किया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि घोंडा मंडी भी 18 सितंबर से पूर्णतः बंद रहेगी। आड़तियों के अनुसार सभी परचेजर से बात हो चुकी है और उन्होंने हड़ताल का समर्थन किया है। किसानों को भी हड़ताल चलने तक अपनी फसल मंडी में न लाने के लिए कहा गया। अपनी मनो घबराने की जरूरत है, हम जो कुछ होगा मारा हम जरूर देंगे। और उसके बाद भाई में भी उन्होंने भी बताया, हम नहीं बताया जो हमारा किलो बढ़ेगी यही कुछ, लेकिन किसी मंडी में भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मंडी में किसान आएगा तो उसे अपनी फसल का रेट का, आज के रेट का भी पता होगा। लेकिन बाहर 2-3 धरना सेठों को बिठाकर सरकार चाहती है कि वो पुराने रेटों में जमींदार का माल लेते रहे, उसका शोषण करता रहे। अलग अलग उनके राइस मिल होंगे, वहाँ जाके उनका शोषण हुए। मंडी में आएगा उसको पता चलेगा आज मेरी जीरी का क्या रेट है। चाहे तो सरकार हर जीरी का MSP निकाल ले, लेकिन जो जीरी 3,000 बिकती है, 2,500 बिकती है, उसमें बाहर बिल्कुल किसानों का शोषण होगा। और सरकार धन्ना सेठों के साथ मिलकर किसानों के शोषण पे लगी हुई है। अभी कोई परचेज नहीं होगी जी। अब किसान भाई भी हमारे साथ हैं। माननीय सुषमा स्वराज जी ने संसद भवन में बिल्कुल साफ बोला था, आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ है। लेकिन अब ये कुछ अहंकार में आके उन बातों को बिल्कुल भूल गए हैं। ये सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं के अंदर हम हर चीज़ का नाश करते चले। जब देश पे कोई विपदा आती है, कोरोना जैसी महामारी आई थी, तो इनको व्यापारी वर्ग याद आया था, उसने सबकी मदद भी की थी, लेकिन वो बीमारी नहीं थी, एक प्रोपगंडा था। अब वो कुछ लोग बाग फरी हुए हैं तो ये व्यापारियों का शोषण करने पे दोबारा उतारू हो गई है सरकार। देश किसानों की भलाई का नाम लेकर के आई है, वो इस ट्रेड को जो सिस्टम है मंडियों का, इसको ख़त्म करने वाला ये अध्यादेश है। और मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये अध्यादेश कि हमारा जो मंडियों का सिस्टम है, एक हरियाणा और पंजाब दो स्टेट ऐसे हैं, कुछ थोड़ा बहुत राजस्थान, कि जहाँ मंडी सिस्टम बहुत ही सुचारू रूप से पिछले 20-30 सालों से चला हुआ, बाकी कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर ये मंडी सिस्टम इतनी अच्छी तरह से इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन जो अब ये अध्यादेश आए हैं, उन अध्यादेश की एवज में जो हरियाणा और पंजाब की मंडियां थी जो सुचारू रूप से चल रही है, वो भी ख़त्म होने जा रही है। जहाँ तक किसान हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, दोनों मिलकर के रोड जाम करने वाली जहाँ तक बात है, हम उनके साथ हैं। तो कोई भी किसी भी प्रकार का भी जो भी एजिटेशन किसान आंदोलन वो करना चाहेंगे, हम हर समय उनके साथ हैं। सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो क्लस्टर लॉस के नाम पे जो पैसा काटा गया हुआ वो वापस किया। ये धरना कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक सरकार जो है जो हमारे मांगे पूरी नहीं करती, जो जो हमारी मांगे हैं जो हमने अभी आपको बताई थी, वो तब तक ये जारी रहेगा जब तक पूरा हरियाणा में इसका फैसला होगा। ये हरियाणा स्तर का धरना है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो हमारी जो स्टेट लेवल की बॉडी है वो जब फैसला करेगी कि आज हड़ताल ख़त्म है तो हम उठ जाएंगे, तब तक नहीं बैठेंगे।